करना होता है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है, 3 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। डीमैट अकाउंट कैसे खोलोगे जरा मैं बता देता हूँ। हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है, शेयरवेयर तो बात की बात है, जाओ ओपन करो पहले। आप जिस भी को भी सिलेक्ट करते हो, मान लो जीरोधा करते हो, अपस्टॉक करते हो, एंजल करते हो, और बहुत सारे आगे बहुत अच्छी कौन सी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो उसकी वेब ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप यस, अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो उसकी, या उसकी वेबसाइट पे जाओ और अपने आप को रजिस्टर करो। वो क्या पूछेगा आपसे, नाम क्या है आपका, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये तो पूछेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भरते रहना, तुम्हें पता है फॉर्म कैसे भरते हैं, बचपन से फॉर्म भरना तो इंडियंस को अच्छे से आता है। फिर क्या करना है उसके बाद, सेकेंड है कि अपनी बेसिक जो भी है डिटेल्स को एंटर करके आपको ओटीपी आएगा मोबाइल का, अपने ईमेल पर वो साइन अप कराएगा, तो बड़ी नॉर्मल चीज तुम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपसे ना आधार की पैन की कॉपी स्कैन करवाएगा, आधार और पैन होना चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए, तो इतना तो कर ही लोगे, होगा तुम्हारे पास। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये कराने पर आधार का ओटीपी आएगा, आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, समझ लेना आपका आधार आपके पैन से जुड़ा होना चाहिए, पहली चीज तो पैन और आधार दोनों जुड़े होने चाहिए, समझ में आया। दूसरा, आधार से जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, नहीं है तो जाओ पहले काम कराओ, कहीं होगा पैन कार्ड ही नहीं होगा, भाई तो क्या कर रहे हो तुम, पैन कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, जाओ पैन कार्ड लो, आधार बनवा, आधार तो होगा, आधार होगा पैन बनवा लो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर आधार को पैन से लिंक करवाओ, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता उसमें, ऑनलाइन भी हो जाता है, और अपना रियल मोबाइल नंबर ही देना जो एक्टिव हो। कई लोग डर के मारे नहीं नहीं आधार में पता नहीं डेटा चला जाएगा, अरे मोबाइल नहीं दो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओटीपी से वेरिफिकेशन वहीं से होगा। अगर आपका आधार से मोबाइल अटैच नहीं है तो गया किसी काम का नहीं है, वो जाके पहले उसमें सही करवाओ, उसको सही हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, आधार सेंटर पे जाओ वो सही कर देंगे, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। फिर उसमें 48 से 72 घंटे लगते हैं एक्टिवेट होने में, इतना टाइम लेगा वो। फिर आपको वो क्या यूजर आई डी पासवर्ड देगा, वो ऐप में डालो यूजर आई डी, फिर डालो पासवर्ड, मेरा भी है ठीक है, तो वह ऐसे ही है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, सिंपल ठीक है। और अगर आपको देखो, मैं ये बता देता हूँ, मेरा जीरोधा में अकाउंट है, लेकिन जीरोधा पैसा लेता है, थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है। अब आपके पास दो चॉइसेस और हैं, मैं दो चॉइसेस आपको दे रहा हूँ। अपस्टॉक्स एक ऐसी कंपनी जिसमें रतन टाटा जी ने पैसा लगा रखा है, और ये सेकेंड लीडिंग कंपनी आफ्टर जीरोधा, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। और वैसे एक और बात बता देता हूँ, कल को लगे